नमस्ते मैं बेशनाथ और स्वागत है आपका टीचमेंट अकेडमी में और इस वीडियो में आप जानेंगे कि कौन सा माइक आपके लिए सही होगा आपके मोबाइल के लिए जब आप मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ा रहे तो कौन सा माइक आपको खरीदना चाहिए क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा तो पूरा चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम आपको मदद कर पाए आसानी से ऑनलाइन पढ़ाने में टीचमेंट ऐप के माध्यम से तो ये जानना जरूरी है कि अगर आप एक्सटर्नल माइक लगाना चाहते हैं तो क्या कारण होगा क्यों आपको लगाना चाहिए तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप कोई मोबाइल फोन यूज़ करें तो वहाँ पे इनबिल्ट एक माइक होता है आप सोच रहे होंगे कि अलग से मुझे माइक लगाने की क्या जरूरत है मुझे एक्सटर्नल माइक लगाने की क्या जरूरत है तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा जब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं जब आप टीचमेंट ऐप के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो आपका मोबाइल आपसे बहुत दूर है और जब भी आप देखेंगे कि इसके वजह से अगर आप माइक इस्तेमाल नहीं करते हैं आप अगर एक्सटर्नल माइक नहीं इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक सुनाई देगा मतलब प्रतिध्वनि सुनाई देगी बाहर से जो भी आवाज आ रहा है वो भी आपको सुनाई देगा आपके बच्चे को सुनाई देगा जिसको आप पढ़ा रहे हैं टीचमेंट ऐप के माध्यम से और यहाँ और एक चीज आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो मोबाइल का जो ऐप हो मोबाइल का जो माइक होता है वो यूनिवर्सल यूसेज के लिए होता है कोई आपका मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करता है कोई वॉइस कॉल करता है कोई लाउड स्पीकर में उससे गाना सुनता है कोई गाना उससे रिकॉर्ड करता है तो हर एक यूसेज के लिए मल्टीपर्पज यूसेज के लिए आपका मोबाइल का माइक होता है यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक कारण के लिए एक्सटर्नल माइक लगाने वाले हैं उसको इस्तेमाल करने वाले हैं और इसी के साथ साथ अगर आपको बेटर ऑडियो चाहिए क्योंकि एक्सटर्नल माइक जैसे मैंने एक माइक लगा के रखा हुआ है मैंने क्यों लगाया ताकि मेरा जो ऑडियो है वो अच्छा है आपको मैं जो बोल रहा हूं वो आपको अच्छे से सुनाई दे तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जब आप माइक परचेज कर रहे हैं बहुत बार मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स हमारे साथ जुड़ते हैं कहते हैं कि मैंने एक माइक खरीद लिया है पर वो मोबाइल में नहीं चल रहा है तो इसका क्या कारण है तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही सिंपल चीज़ है बट बहुत सारे लोग इसको नहीं जानने के कारण इसको इग्नोर करते हैं उसी की वजह से खराब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि दो तरीके के आपके हेडफोन जैक होते हैं एक होता है टी और एक होता है टी आप सुन के लग रहा होगा ये टी ये टी क्या होता है तो यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ कि यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं ये आपका हेडफोन जैक जो होता है ऐसा जैक आपका होता है राइट और आप सोच रहे होंगे हो हाँ, जैक तो सब सेम ही है पर यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे ब्लैक जो आपका यहाँ पे जो ब्राउंड है या ब्लैक कलर का जो बैंड है यहाँ पे कितने बैंड है ये टू बैंड दो बैंड है जो जिसमें आपके दो बैंड है इसको कहते हैं हम टी आर एस इसको कहते हैं टी आर एस और यहाँ पे जो तीन बैंड जो आप देख पा रहे हैं एक दो तीन इसको कहते हैं टी आर आर एस तो आपका जो मोबाइल फोन है आपका मोबाइल फोन का भी जो हेडफोन होगा जो हेडफोन आपने परचेस किया है वहाँ पे भी आप देखेंगे कि वहाँ पे तीन बैंड होते हैं दो बैंड नहीं होता है दो बैंड जिसमें होते हैं वो आपका डी एस एल आर या आपके कैम्पकॉर्डर में या आपके कंप्यूटर में आपका ये आसानी से चलेगा पर अगर आपका ये तीन बैंड अगर आपको मोबाइल में चलाना है तो टी आर आर एस आपको लेना ही पड़ेगा इसके अलावा आपके मोबाइल में ये सपोर्ट नहीं करता ये ऐसा ही सिस्टम है कि अगर आप दो बैंड का ऐसा ले लेते हैं सस्ते में आपको मिल जाएगा मार्केट में पर वो आपके मोबाइल में नहीं चलेगा तो यहाँ पे जैसे आप चलिए देख लेते हैं कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देने वाला हूँ कि कौन सा माइक कौन सा ब्रांड आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका बजट बहुत ही कम है ये आपका दो सौ रुपए कॉस्ट है यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसका भी तीन बैंड होगा ये भी आपका टी आर आर एस माइक है ये आपको अमेजोन में मिल जाएगा इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे ताकि ताकि आप आसानी से इसको परचेस कर पाए नेक्स्ट होगा अगर आप थोड़ा बजट आपका अच्छा है थोड़ा आप एक्सपेंस करना चाहते हैं अच्छे कंपनी का लेना चाहते हैं तो ये आपका जे का आता है जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें था आपका तीन बैंड है और ये जो होता है इसको कहते हैं क्वार्टर जैक ये कन्वर्टर होता है कभी आपको अगर बहुत बार आप देखेंगे कहीं पे आपको स्टेज पे काम करना पड़ रहा है या कहीं पे अगर जरूरत होगा तो वहाँ पे आप इस जैक को इस्तेमाल कर सकते हैं इस ये आपका इसके अंदर चला जाएगा फिर ये कन्वर्ट होके आपके जो जो भी आपका माइक इनपुट है वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका कॉस्ट है आपका हजार रुपए जैसे आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट है बोया ये आपका वर्ल्ड फेमस बोया है बोया माइक है बहुत लोग यूज करते हैं मैंने भी यूज किया है यहाँ पे भी आप जैसे देख पा रहे हैं तीन बैंड है ये है आपका टी आर आर एस राइट यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्सटर्नली एक बैटरी लगानी पड़ती है एक छोटा सा टैबलेट जैसा एक बैटरी आता है जिसको आपको यहाँ पे पुट अप करना पड़ता है पर अगर आप स्मार्टफोन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है इसका कॉस्ट जैसे आप देख पा रहे हैं नंबर वन सेलर है बहुत ज़्यादा मार्केट में चलता है मैंने भी इसको यूज़ किया है पर यहाँ पर इसका प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत आपका अलग अलग जगह से आवाज़ लेके आता है मतलब जो पढ़ा रहे हैं उसका तो आवाज़ होगा ए प्लस उसी के साथ साथ आसपास जो भी आवाज़ होगा वो भी आपका खींच लेता है नेक्स्ट हो जाता है अगर आपका मीडियम बजट है मॉडरेट बजट है तो ये आप कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे आपको देखना है कि कितना लंबा है ये आपका डेढ़ मीटर लंबा है यानी अराउंड पाँच फीट आपका होगा लेंथ तो अगर पांच फीट में हो जाता है तो अच्छी बात है क्योंकि जो बोया है ये अराउंड ट्वेंटी फीट का होता है बहुत ही लंबा होता है तो बहुत लोगों को इसको वायर मैनेज करने में दिक्कत हो जाती है नेक्स्ट है अगर आपका बजट कम है इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं सो so, टिपिकली आप जो माइक परचेज करते हैं यहाँ पे इसी तरीके से होता है जैसे आप देख पा रहे हैं फिर से मैं कह रहा हूँ तीन बैंड आपका होना ही पड़ेगा अगर आपको मोबाइल में चलाना है तीन बैंड होना पड़ेगा इसको कहते हैं टी आर आर एस और आपके पास ऐसा एक आपका एक क्लिप आता है और इसको कहते हैं आपका ये जो टाइप का माइक होता है इसको कहते हैं हम लेपल माइक कहते हैं और ये आपके शर्ट में यहाँ पे आप लगाते हैं ये माइक अलग है इसको कहते हैं ओवर द ये माइक बोलते हैं इसको और यहाँ पे इस माइक के बारे में जो मैं बात कर रहा करूं वो आपके शर्ट में लग जाता है जहाँ पे आप उसको अटैच करके पढ़ाना शुरू करते हैं और ये वाला जो जैक है जो मोबाइल का जो जैक है वो आपके मोबाइल में जो एंड जैक होता है वो आपके मोबाइल में घुस जाता है और फिर ये जो माइक है ये आप अपने टी शर्ट या शर्ट में इसको लगा के फिर आप पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि शर्ट में आपको लगाना है वायर बाहर से आ रहा था पर उसको आप अंदर से भी ला सकते हैं ताकि अच्छा अच्छा लगे क्लीन क्लीन आपका लुक जो है वो क्लीन हो और जैसे आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके का बैटरी आता है पॉजिटिव नेगेटिव आपको थोड़ा तो सा देखना पड़ेगा ये सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये सारे पैकेजेस के अंदर आते हैं ये आपका क्वार्टर अडाप्टर जैसे मैंने कहा है क्वार्टर अडाप्टर होता है और ये माइक होता है माइक के ऊपर आपका स्पंज होता है ताकि लफ करने से इसको एक फूफ आवाज होता है हुआ नहीं है और ये आपका है क्लिप उसी के साथ साथ आपने तो माइक समझ लिया कि कौन सा माइक आपको लेना है किस तरीके का माइक लेना है क्या ध्यान में रखना है उसी के साथ साथ आपको क्या चाहिए जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जब जो सेटअप मैं यूज कर रहे हैं या जो भी सेटअप आप यूज करेंगे वहाँ पे आपको ट्राईपोर्ट चाहिए होगा कैमरा को होल्ड करने के लिए आपको कैमरा चाहिए होगा और यहाँ पे लाइटिंग सेटअप की जरूरत होगी लाइटिंग सेटअप का वीडियो मैंने एक बताया बनाया था जो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं या हमारे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं आपको अगर बच्चों को पढ़ाना है तो टीचमेंट ऐप जरूर इंस्टॉल करें अपने बच्चों को इंस्टॉल करने के लिए और उसी के साथ आपको स्टूडेंट चाहिए ताकि आप उनको आसानी से पढ़ा सके तो ये था आज का वीडियो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कौन सा माइक आपके लिए सही होगा तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि हमारी टीम आपको मदद कर पाए ताकि आप आसानी से पढ़ा सके टीचमेंट ऐप के माध्यम से धन्यवाद